एंड एस यूनानी फार्मेसी फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शिकारी, सदर आल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत। आज 4 बजे DCP साहब सौजून से मुलाकात किया और जो है एक रिप्रेजेंटेशन ये मोहतरमा खालिदा बेगम का उनके हवाले किया। मोहतरमा खालिदा बेगम के भाई सरफराज अली खां वल्द अब्दुल रहीम खान, जिनकी उम्र 33 साल है, 31 अगस्त से वो लापता है और उनके साथ ऑटो भी था, लेकिन जो है 4-5 दिन के बाद ऑटो मिल गया, लेकिन अभी तक जो है सरफराज अली खान साहब की गुमशुदगी का कोई पता नहीं लगा। हम जो है DCP साहब से दरख्वास्त करें हैं कि आप जो है CC वेरिफिकेशन कराइए कैमरों का, और 12 दिन हो गए हैं अब तक कोई जो है इस सिलसिले में कामयाबी नहीं हुई है। आप ज़रा इस सिलसिले में हमदर्दी फरमाएं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं जो है उनको पाबंद कर दिया हूं और वो लोग काम करेंगे। और दूसरी बात, हम DCP साहब से, हमारी पार्टी ने एक मतालबा भी किया, मतालबा हमने ये किया कि जो लोग दरख्वास्तें देते हैं पुलिस स्टेशन में, दरख्वास्तें देने के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन वाले एक्नॉलेजमेंट नहीं देते आपके सबॉर्डिनेट, और जो है और थ्रेटनिंग करते हैं, वो बुरी बात है। आप जो है अपने ऑफिसर्स की मीटिंग में तय करें कि जो एप्लीकेशन दे फौरन उसको एक्नॉलेजमेंट दे, और उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है करें। उन्होंने तय खून दिया कि ठीक है, मैं इस सिलसिले में भी काम कर बोलता हूँ। तो बहरहाल ये सरफराज साहब जो है, ये जो है किशन बाग बहादुरपुर में रहते थे और अभी बहादुरपुर में कंप्लेंट हो गया। हाँ नहीं, ये जी अब वहाँ कंप्लेंट दे दिए, बहादुरपुर में जो है कंप्लेंट दे दिए और FIR भी बुक हुआ, लेकिन FIR भी बुक होने के बाद बहुत स्लो चल रहा है वर्क। 12 दिन के बाद भी कोई जो है इस सिलसिले में जो है वो इत्तला नहीं मिली है, इस बात से हमने नुमाइंदगी की। सरफराज, हाँ सरफराज साहब, तमाम जगहों पे इनके बारे में मालूम कर लिए? हाँ, इनके रिलेटिव जहाँ जहाँ थे ये तमाम दरियाफ्त कर लिए हैं और किसी जगह भी उनका पता नहीं लगा, और उसके बाद मजबूरन पुलिस पे जो है प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो है गुमशुदगी का जो प्रोग्राम है और फौरन उसको आप बरामद करें। इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ, गए थे कभी? नहीं, ये इससे पहले कभी उन्होंने घर से नहीं गए, और ये पहली मर्तबा गए हैं। और कैसा गए, क्या है इसके बैकग्राउंड से, ना उनके मुतालिकीन वाकिफ हैं ना हम वाकिफ। तो फोन वगैरह उनका बंद बता रहा? हाँ, फोन बंद है। 31 अगस्त, हाँ 31 अगस्त के बाद से फोन बंद। ठीक है, बात हमारी पार्टी जो है एक रिप्रेजेंटेशन हम जो पुलिस ऑफिसर्स को देने वाले हैं, ये हैदराबाद में जो रात तक होटलें चलाई जा रही है जिसकी वजह से कत्ल हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हो गया है, तो हम जो है इस सिलसिले में हमारी पार्टी नुमाइंदगी करने वाली है और हम जो मतालबा करेंगे कि रात के 12 बजे से पहले होटलें बंद कर दी जाए। इसलिए हमारे शहर में गांजा, चरस और जो है शराब जो है बहुत आम हो गई है, जिसकी वजह से कत्ल हो रहा है, और हमारी पार्टी आल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत सख्त मजम्मत करती है। परसों रात में मेरिडियन होटल में जो मासूम का कत्ल हुआ है, हम पुलिस ऑफिसर से मतालबा करते हैं कि वो जो है जो कोई जानिबदारी से काम ना करें बल्कि इंसाफ के साथ काम करें, और जो लोग ये नौजवान का कत्ल किए उनको पूरी तरह से सज़ा दिलाएं, और यही जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। तो हम
सिर्फ आवाम से भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है पुराने शहर के आवाम अपने बच्चों को रात में 10 बजे 11 बजे के बाद घरों से निकलने मत दीजिए, ताकि जो है हालात बेहतर हों और अमन कायम हो सके। खुदा हाफ़िज़।